डिसेंबर महिन्याच्या अखेर थंडीने पुणेकरांना चांगलीच हुडहुडी भरवली आहे. पुण्यात 5.9 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. मागील 11 वर्षातील पुण्यातील सर्वाधिक नीचांक तापमान म्हणून आताच्या तापमानाची नोंद झाली आहे. डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस थंडीने पुणेकरांना चांगलीच हुडहुडी भरवली. पुण्यामध्ये 5.9 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. पुण्यामध्ये 11 वर्षातील नीचांकित तापमान म्हणून तापमानाची नोंद झाली आहे. यापूर्वी 6.5 हे आतापर्यंत 11 वर्षांमधील नीचांकित तापमान होते. सध्या शीतलहर सुरू असल्याचे वेधशाळेने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. शीतलहरीच्या परिणामामुळे तापमानामध्ये घट होत आहे. जानेवारीमध्येही साधारण अशी स्थिती असेल. 15 जानेवारीपर्यंत 10 ते 11 अंश सेल्सिअस तापमान राहील असा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तवला आहे. सर, महाराष्ट्र में पिछले कितने सालों में सबसे किमान तापमान गया है, कितना कितना तापमान है, इसके क्या कारण है? एक तो जो अभी रिकॉर्ड बता रहा है कि इससे पहले 2010 में 20 दिसंबर 6.5 डिग्री एवं 2015 में 26 दिसंबर 6.6 डिग्री दर्ज किया गया था. तो पिछले 11 साल में दिसंबर महीने का ये शायद सर्वनिम्न तापमान पुणे के लिए है. इसका कारण जैसा कि बताया, प्रति चक्रवात का प्रेजेंस ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मैंने वो इसको कंट्रोल कर रहा है. साथ में उत्तरी हवा जो नॉर्दर्ली कंपोनेंट ऑफ विंड एवं औसत तापमान औसत उसका स्पीड गति ये करीब 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा. साथ में आसमान साफ एवं एक जो प्रति चक्रवात क्रिसमस के टाइम बना हुआ था 1.5-2.1 किलोमीटर वर्टिकल हाइट में, ये अभी ना होने के कारण तापमान में इतना गिरावट आया. सर, आज कितना तापमान है और कब तक ऐसा तापमान रह सकता है? आज का तापमान है 5.9 पुणे, नासिक 5.1, जलगांव 6 एवं सबसे कम देखा जा रहा है 3.5 नागपुर. तो ये कंडीशन अभी जो है प्रदेश में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के हिस्सा एवं विदर्भ ये जगह अगला 48 घंटे के लिए एट आइसोलेटेड एरियाज शीतलहर जारी है, चेतावनी है. एवं यह स्थिति लग रहा है कि काल के बाद से थोड़ा सुधार आने का उम्मीद है, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा. सर, कितने तक जनवरी तक आपने जैसे कहा कि ये ठंड का, ये बेसिकली फर्स्ट के आसपास एक्सपेक्टेड है 27 डिग्री फर्स्ट ऑफ जनवरी, ऐसे करीब 27 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान करीब 11 के आसपास रहने का उम्मीद है. एवं ये बेसिकली एक साइक्लिक ऑर्डर है कि एक फॉल इन टेम्परेचर आते हैं, फिर धीरे धीरे अगला 4-5 दिन बढ़ते हैं, फिर एक फॉल. बेसिकली पश्चिम विक्षोभ एक मेजर कारण है ये पीरियड में, जिस वजह से तापमान गिरता है. तो ये जनवरी महीने में एटलीस्ट 3-4 बार देखने को तो मिलेगा.